जी जिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका कब क्या कर जाए किसी को कोई खबर नहीं। अमेरिका पहुंचते ही मोदी और डोभाल को गिरफ्तार करने वाली अमेरिकी पुलिस ने जो किया है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीत डोभाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ही पन्नू को मारने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। इसके बाद निखिल गुप्ता को सुपारी दी गई थी और इसी कारण अमेरिकी कोर्ट ने अजीत डोभाल को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था। लेकिन डोभाल के साथ साथ और भी कई बड़े लोग इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन इस पूरे मामले में दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मोदी और डोभाल को गिरफ्तार करने चले थे, 24 घंटे में भारत ने डबल एक्शन कर दिया और सारा खेल पूरी तरह पलट गया है। इतिहास में पहली बार है जब अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका नहीं गए हों, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल के माध्यम से ही अमेरिका भारत में हथियार बेचता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ना जाना बहस का विषय बन गया है। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने इस मामले में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि अजीत डोभाल भारत में कोई आम अधिकारी नहीं है बल्कि सुरक्षा सलाहकार है, और उनका अमेरिका ना जाना सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा दिखे। वहीं अजीत डोभाल कहीं भी पीएम मोदी के साथ दिखाई नहीं दिए। इसके बाद भारी बवाल शुरू हो गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने ट्वीट कर कहा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीएम के साथ एनएसए अमेरिका नहीं गए हैं। यहां नए लोग सवाल कर रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने अजीत डोभाल को गिरफ्तार करने के लिए समन क्यों भेजा था। तो दरअसल अमेरिका की एक कोर्ट ने उनके नाम से समन जारी कर दिया था। हालांकि ये समन फॉर्मली अभी भेजे नहीं गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि समन के चलते ही वो अमेरिका नहीं गए, क्योंकि अमेरिका में डोभाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। निखिल गुप्ता मामले में भारत अब तक कोई जवाब नहीं दे रहा था और कह रहा था कि जांच जारी है। इसी कारण अमेरिका ने डोभाल को गिरफ्तार करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तानी समर्थक नेताओं को भी बुलाया गया और उनसे बात की गई थी। यानी कि एक तरफ अमेरिका भारत का स्वागत करने में लगा था और ठीक उसके पहले उसने भारत के दुश्मनों को व्हाइट हाउस में वेलकम कर दिया। अमेरिका के इस रुख की भारत में जमकर आलोचना हुई। इसी कारण ये माना जा रहा था कि अमेरिका को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो वास्तव में डोभाल को गिरफ्तार भी कर सकता है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि आखिर अमेरिका कोर्ट ने अजीत डोभाल को लेकर क्या कहा था। तो खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या के प्रयास के आरोपों को लेकर न्यूयॉर्क की अदालत में एक याचिका फाइल की गई थी। अदालत ने भारत के कई लोगों के नाम समन जारी कर दिया है। पीएम मोदी के अमेरिका रवाना होने से एक दिन पहले ही ये समन जारी किए गए हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे थे। इस समन में अजीत डोभाल समेत पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और निखिल गुप्ता जैसे लोगों का नाम है। इसके बाद भारत में इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई। समन में 21 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, जिसे विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी बताया। दुनिया भर की कई मीडिया रिपोर्ट्स में एनएसए डोभाल के अमेरिका ना जाने की वजह समन होना नहीं बताया है, बल्कि कई अन्य कारण दिए गए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर अजीत डोभाल अमेरिका क्यों नहीं गए। तो रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू मुद्दों और व्यवसायता के चलते वो अमेरिका नहीं गए। अधिकारियों का कहना है कि एनएसए अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर चुनाव के कारण पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से दूर रहे। हालांकि मुझे इस जवाब से संतुष्टि नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिकी दबाव के कारण ही वो वहां नहीं गए थे। और ये भी हो सकता है कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें कहा हो कि आप कुछ दिन बाद चले आइएगा, अभी चुनाव का माहौल जरा गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि अगर अजीत डोभाल अमेरिका पहुंच जाते तो फिर जो बाइडेन की पार्टी को सिख समर्थित वोट हासिल नहीं हो पाते। यानी कि पन्नू हत्या मामले का मास्टरमाइंड अजीत डोभाल को ही माना जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अजीत डोभाल का अमेरिका जाना भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन चुनाव के कारण ही उन्होंने यात्रा से दूरी बनाई है। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मिलकर अजीत डोभाल ने ICET प्लेटफॉर्म को अंजाम तक पहुंचाया है, जो दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये रक्षा उद्योग और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है। वहीं अजीत डोभाल सितंबर के आखिरी सप्ताह में फ्रांस जाने वाले हैं। अक्टूबर में वो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने रूस भी जाएंगे। आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि क्या अमेरिका ने पहली बार इस तरह का समन जारी किया है। तो दोस्तों, द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस तरह के समन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कमलनाथ को भी भेजे गए थे। इसके अलावा गुजरात दंगे के बाद पीएम मोदी को भी समन भेजा गया था, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ था। अमेरिका ये सब समन सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए जारी करता है, और खास करके ये इलेक्शन ड्रामा होता है। अब देखिए, अमेरिकी पुलिस ने मोदी या डोभाल को तो गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन किसी और को गिरफ्तार करके ले गई।
यानी कि जिन लोगों ने अजीत डोभाल को गिरफ्तार करने की स्क्रिप्ट लिखी, अमेरिकी पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। और ये अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में खूब हो रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के भारतीय डायस्पोरा कार्यक्रम को बाधित करने की खालिस्तानियों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सारा खेल ही पलट गया, यानी कि जिन खालिस्तानियों के कहने पर अमेरिकी पुलिस मोदी और डोभाल को गिरफ्तार करने वाली थी, उन्होंने उल्टे खालिस्तानियों को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दूसरे खालिस्तानी समर्थकों को वहां से हटा दिया और उनका सामान जब्त कर लिया। यानी कि 24 घंटे में ही अमेरिकी पुलिस ने खालिस्तानियों को तगड़ा इलाज कर दिया है, जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। पीएम मोदी के संबोधन का विरोध करने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने योजना बनाई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क पुलिस ने खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को वहां विरोध करने से रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने। इस दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारी ने फ्री स्पीच जोन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया और अब भारत में जश्न शुरू हो गया है। ऐसा सिर्फ मोदी की कूटनीति के कारण हो रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास से भड़काऊ प्रचार सामग्री को भी हटा दिया। यानी कि अजीत डोभाल को गिरफ्तार करवाने का पन्नू प्लान न केवल फेल हुआ, बल्कि उसके लोगों की जमकर सुताई भी की गई। और अब वो आगे से इस तरह का कोर्ट समन जारी नहीं करवाएगा। पीएम मोदी के खिलाफ खालिस्तानियों के बैनर को पुलिस ने उखाड़ दिया। नसाउ काउंटी पुलिस के अधिकारियों ने कोलिजियम से सटी सड़क पर रखे खालिस्तानी बैनर और भारत विरोधी प्रचार सामग्री को कब्जे में ले लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दुष्प्रचार की योजना खालिस्तानी चरमपंथी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने बनाई थी। CNN न्यूज 18 से एक सूत्र ने बताया कि विदेशी नेता या गणमान्य व्यक्तियों के दौरे पर फ्री स्पीच जोन का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। सूत्र ने यह भी कहा कि सिर्फ मुट्ठी भर सिख हैं जो खालिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी सरकार भारत अमेरिका संबंधों को लेकर गंभीर है और वो ऐसे किसी भी चीज का इजाजत नहीं देगी जिससे दोनों सरकारों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये घटना भारत के लिए एक बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देता है। जब न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया, तो ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव का संकेत है। इसका मतलब ये है कि अब भारत केवल अपनी सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीरता से कदम उठा रहा है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि खालिस्तानी आंदोलन, जो पहले पश्चिमी देशों में ज्यादा सक्रिय था, अब कमजोर हो रहा है। जब पुलिस इस तरह की गिरफ्तारी करती है तो ये उन समूहों के लिए एक संकेत होता है कि उनकी गतिविधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।